नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जेवीएन भावना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फैकल्टी ऑफ एफएम. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आवर टॉपिक दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंसेस एंड सॉफ्टवेयर रिव्यूज. दीज आर द टू डिफरेंट सेशंस ऑफ योर कोर्स. सो नाउ लेट अस कम टू ऑन आवर टॉपिक कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है. अब इस क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही क्या है, आपके अलग अलग चीजें आती है, जैसे क्वालिटी कंसेप्ट आ गए, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, तो इसी के फर्दर आप कंसेप्ट को आप बोल कंसेप्ट है उसको आप बोल सकते हो. ठीक है, तो ये सारा का सारा होल सोली कंसेप्ट किसके अंदर आ रहा है, आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में आ रहा है. ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, ये क्यों जरूरी है. सो देखो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, हम लोग जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है. जैसे आपको पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी बोल रहे हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है. तो हम पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं उसको क्रिएट करते हैं और इंश्योर करते हैं दैट एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट्स एग्जिबिट्स दिस क्वालिटी. और यहाँ पे भी हम इंश्योर करते हैं कि सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सारा का सारा वर्क हो रहा है, ठीक है ना, तो वर्क प्रोडक्ट्स जो भी आप काम कर रहे हो उसमें वही क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो. इसके लिए आप क्या करते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो. हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे ये काम होता है, अलग अलग जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसके अलग अलग प्रोसेसेस पे भी क्या ये काम लगता है. ठीक है, और क्या है, आप मैट्रिक्स का यूज लेते हो ताकि आप स्ट्रेटेजीज वगैरह बना सको और उस चीज को डेवलप कर सको. ठीक है ना, तो ये क्या करता है ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है कौन करता है. सो एवरीवन जो है ना, कौन इसे करता है, सो एवरीवन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. तो क्वालिटी के लिए बेसिकली जो भी लोग उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं सब उसके लिए सब क्या है उससे रिलेट करते हैं. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सो यू कैन डू इट राइट और यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन. मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि या तो आप एक काम को एक बार कर लो अच्छे से या फिर उसको बार बार आप करते रहो, है ना, उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको बार बार करते रहो. सो यहाँ पे क्या है, इफ अ सॉफ्टवेयर टीम स्ट्रेसेस quality in the software engineering activities, it reduce the amount of rework that it must do it. लेकिन तो आप अच्छी quality engineering activities वगैरह लगाते हो तो क्या है, जो आपको rework करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. इसकी मदद से क्या हो, कम होने की मदद से क्या होता है, हम लोगों के पास lower cost में हम लोगों का software तैयार हो जाता है, क्योंकि बार बार re-engineering करने की cost भी लगती है, तो वो cost यहाँ पर कम हो जाती है. और इनफैक्ट उस चीज को बनना कितने दिनों में था वो पर्टिकुलर टाइम पे बन के स्केड्यूल पे तैयार होके मार्केट में उतर जाती है. क्योंकि अगर मार्केट में उतरने में किसी चीज को देर हो जाती है तो वहां पे क्या है, उस मार्केट की उसकी अहमियत के अकॉर्डिंग वो जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है, सॉफ्टवेयर आपका वर्क करता है. जैसे आप मान लीजिए आपको मार्केट चला गया सॉफ्टवेयर को यूज करने का, तो फिर कोई काम नहीं रह जाता है. अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम लोगों ने जो ये तो हमने देखा कि क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स और इसके आगे जो फर्दर टॉपिक्स आते हैं वो भी सब इसी के अंदर आते हैं जो हम लोगों ने पहले भी लीड कर लिए. अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी फिर इसके अंदर और हम देख सकते हैं कि बेसिकली फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करना वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाती है. तो उसकी हम जो डेफिनेशन देखते हैं, एक हम डेफिनेशन ये देख सकते हैं कि क्या है, हम इसमें इसके अंदर क्या होता है, कन्फॉर्मेंस हो सकता है किस चीज का, तो एक्सप्लिसिट स्टेटेड फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो फंक्शनल और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट का कन्फॉर्मेंस हो सकता है. ठीक है, या फिर एक्सप्लिसिटली क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड हो सकता है. या मतलब एक्सप्लिसिटली आप क्या है कुछ चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हो या स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हो, या इम्प्लिसिटली आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एक्सपेक्टेड फॉर ऑल द प्रोफेशनली डेवलप सॉफ्टवेयर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो जो प्रोफेशनली डेवलप सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो सकती है. अब उसके साथ की एक पर्टिकुलर कोई वास्ट डेफिनेशन नहीं है, आप अपने अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी किस तरह की क्वालिटी चाहते हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी टू कंपनी भी क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है जो चेंज हो सकती है. लेकिन बेसिकली होल सोल कुछ चीज़ें उनमें भी सेम ही रहती है. होल सोल हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कुछ डेफिनेशन के अंदर कुछ टर्म्स है वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर फाउंडेशन फ्रॉम विच क्वालिटी मेजर. ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर द फाउंडेशन फ्रॉम विच क्वालिटी इज मेजर.
लैक ऑफ कंफॉर्मेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट इज अ लैक ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप देख के चलते हो कि हाँ ये टर्म्स है, ये कुछ डेफिनेशंस है, ये तो हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें कुछ बताया कि भाई बैकग्राउंड इश्यूज के बारे में आपको कुछ बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस बहुत नेसेसरी है, हम लोग इसको करना चाहिए, ठीक है ना, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेट्रा। अब बेसिकली अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से एश्योरेंस के अंदर क्या एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म की जाती है। तो देखो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही चीज को आप लोगों ने क्या बोला, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमें मिल सके। और उसके सिवा ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ये है ना सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो वर्क है, ये कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्वालिटी टीम के थ्रू किया जा सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी ग्रुप होता है उसके थ्रू किया जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है, ये टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर टीम से अलग होती है। डेवलपमेंट टीम का तो काम होता है सिंपल डेवलप करना, जबकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्लान्स वगैरह बनाती है। तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो क्या है, उस क्वालिटी को एड्रेस करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को एड्रेस करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज वगैरह मतलब उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप या टीम है आपके पास, ये क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर टीम को असिस्ट करती है इन अचीविंग द हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करती है, सो इंजीन है ना, ये उस चीजों का काम जो है करती है। देखो एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप है ग्रुप दैट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्लानिंग। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन चीजों की, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए प्लानिंग करना, ओवरसाइट करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम की क्या है कुछ काम होते हैं। अब उसके सिवा हम लोगों के पास कुछ एक इंस्टीट्यूट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या है कुछ क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज बनाई है, उस एक्टिविटीज को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम को क्या है परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कुछ जो हम लोगों की जैसे इसमें एक्टिविटीज की हम बात करें, तो हमारे पास पहली एक्टिविटी है लाइक प्लान क्या है, प्रिपेयर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी एश्योरेंस प्लान क्या है वो बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से अलग बनाती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कब तक इवेल्युएशन कब तक परफॉर्म होगा, उसके उससे रिलेटेड ऑडिट एंड रिव्यूज परफॉर्म करते हैं, या स्टैंडर्ड दैट आर एप्लीकेबल टू प्रोजेक्ट, उन चीजों को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज है पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन जो भी आप बना रहे हो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन जब तैयार हो रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम के मेंबर बैठते हैं ताकि उसके अंदर भी ऑडिट वगैरह रिव्यू वगैरह कर पाए। नेक्स्ट है रिव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है, या वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोसेस से रिलेटेड जो भी सारी चीजें आपने डिफाइन की है, ठीक है, उस चीजों के अंदर रिव्यू करना भी कौन कौन करता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है। सो इट क्या ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, डॉक्यूमेंट करता है और ट्रैक्स डेविएशन को ट्रैक्स करता है फ्रॉम द प्रोसेसेस एंड वेरीफाइज द करेक्शन दैट हैव बीन मेड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने की जब भी बात आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना और डेविएशन को ट्रैक करके उनको बताना, ये सारे काम भी कौन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप करता है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में ऑडिट डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद दोस डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेसेस को डिफाइन किया है, ठीक है। तो उस अलग प्रोसेसेस के लिए क्या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप क्या करता है, वो रिव्यू करता है उस पर्टिकुलर सेलेक्ट वर्क को, जो जो भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो भी काम हो रहा है उसको ग्रुप को रिव्यू करता है, उस वही उसके अंदर वापस वही चीजें होती है पर्टिकुलर अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसमें डेविएशन ट्रैक करते हैं और बताते हैं कि कहाँ करेक्शंस आपको करने चाहिए, ठीक है। और फिर पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या है उस पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या करते हैं उस जो भी आपने काम किया है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर को सेंड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंश्योर्स
that deviation in the software work and work products are documented and handled according to the document procedure. अब ये भी इंश्योर करते हैं कि भाई जो आपने चेंजेस आपने बताए या फिर वो जो आपने ऑडिट किया उस चीज को, वो इंश्योर करते हैं कि वो जो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डेविएशन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उस डेविएशन को कम करने के लिए, उस चीज को ट्रैक करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, वो भी काम भी ढंग से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो डेविएशन में भी एनकाउंटर्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान डिस्क्रिप्शन एप्लीकेबल स्टैंडर्ड और टेक्निकल वर्क प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हम लोग पास रिकॉर्ड्स एनी नॉन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट्स टू सीनियर मैनेजमेंट. अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो नहीं चाहिए उस काम को करने के लिए, तो उस चीज को आप तो ऐसी नॉन कंप्लायंस आइटम्स को भी आप ट्रैक कर सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो सीनियर मैनेजमेंट को और उसको रिजॉल्व कर सकते हो. तो ये तो था हम लोगों का टॉपिक जिसको हम लोगों ने बोला सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है सॉफ्टवेयर रिव्यूज. तो सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या होता है, एक तरह से जिसे हम लोग फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में सॉफ्टवेयर रिव्यूज फिल्टर का काम करते हैं. मतलब रिव्यूज आर सॉफ्टवेयर रिव्यूज आर अ फिल्टर फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस. दैट इज रिव्यूज आर अप्लाइड एट द प्रीवियस पॉइंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सर्व्स टू अनकवर एरर्स एंड डिफेक्ट दैट कैन बी रिमूव. जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फिल्टर करते हैं, इसका मतलब जो चीज़ आप फिल्टर हो चुकी है उसको आप और फिल्टर कर रहे हो ताकि आपके पास जो और भी कचरा होता है वो चीज़ पीछे के पीछे हटती जाए. तो यहाँ पे भी हम लोग रिव्यू करते हैं ताकि वो जो एरर आपने पता करी है कि जो एरर हम लोगों के पास आई है उसको भी क्या है, मतलब एक प्रोसेस डेवलप करते टाइम पे आप ये देख रहे हो कि कुछ एरर आई, उसको आप रिमूव करने की कोशिश करो. फर्दर आप रिव्यू करते हो कि सॉफ्टवेयर रिव्यू करते हो तो उसका मतलब और उसको फिल्टर करते हो कि जो एरर जो अनकवर्ड पहले रह गई है पहले प्रोसेस में, अब रिव्यू करने के बाद में उन एरर्स को आप अनकवर कर लो और फिर उन एरर को रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है. तो सर्व टू अनकवर एरर्स एंड डिफेक्ट्स दैट कैन बी रिमूव. और उन अनकवर एरर को पता करो, उन डिफेक्ट्स को पता करो जो कि अब रिमूव हो सकती है, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर, इसलिए हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या करता है, प्यूरिफाई द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज दैट वी हैव कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है. तो ये क्या करता है, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है उसको क्या है, प्यूरिफाई करता है. और वो उन एक्टिविटीज को हम जो पहले हम लोगों ने किए उसको हम लोगों ने क्या बोला है, जैसे एनालिसिस करते टाइम पे, चाहे डिजाइन करते टाइम पे, चाहे कोडिंग करते टाइम पे, तो इन सारी एक्टिविटीज को प्यूरिफाई करता है, ठीक है. तो अब जो हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर रिव्यू करता है, जब हम कोई भी रिव्यू करते हैं, तो ये क्या है, इट इज अ वे ऑफ यूजिंग डाइवर्सिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना. तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग अलग तरीके से लेने की बात है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट आउट द नीडेड इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन और टीम, ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सनल टीम या कोई सिंगल पर्सन है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके प्रोडक्ट में, उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं. कन्फर्म दोज पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन विच इम्प्रूवमेंट इज आइदर और नॉट डिजायर्ड और नॉट नीडेड, और ऐसे पार्ट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे या तो इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है. या फिर हम क्या करते हैं, अचीव टेक्निकल वर्क ऑफ मोर यूनिफॉर्म और एटलीस्ट मोर प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना. जो भी आप टेक्निकल वर्क कर रहे हो वो बहुत और भी ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से करने की कोशिश करते हो या ऐसे टेक्निकल वर्क परफॉर्म करते हो कि एक आपको यूनिफॉर्म टेक्निकल वर्क मिले या फिर वो अच्छे से और भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल आपके पास मिल जाए, ठीक है. सो द क्वालिटी कैन बी अचीव विदाउट रिव्यूज इन ऑर्डर टू मेक टेक्निकल वर्क मोर मैनेजेबल, ठीक है. नाउ ये तो था हम लोगों का कि रिव्यू के अंदर आप क्या कर रहे हो, लेकिन रिव्यूज के बारे में हमने बोला है जैसे वो एरर जो अभी भी रह गई है उसको अनकवर करने की कोशिश करते हो, उन डिफेक्ट्स को अनकवर करने की कोशिश करते हो. तो इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं और उस पर लगने वाली कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं. तो जैसे आपके पास आपने अनकवर कर ली, कोई डिफेक्ट अनकवर कर ली, तो आप क्या करते हो, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो. तो इस चक्कर में हम लोग क्या है, जो सॉफ्टवेयर मैनेजर या डेवलपर टीम होता है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को और टाइम देना होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को और टाइम देना होता है. लेकिन इसकी मदद से क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है, और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है, और भी कॉस्ट जो है लग सकती है. तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कि
डिफेक्ट क्या है, जैसे डिफेक्ट इज अ हार्डवेयर डिवाइस और अ कंपोनेंट फॉर एग्जांपल, किसके अंदर हम लोग शॉर्ट सर्किट वगैरह का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो शॉर्ट सर्किट, फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट और ब्रोकन वायर, ठीक है, क्या हो सकता है डिफेक्ट, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, वायर ब्रोक हो गया, या कोई ऐसी, या फिर कोई ऐसा इनकरेक्ट स्टेप हो गया, प्रोसेस हो गया, कोई डाटा डेफिनेशन हो गई किसके अंदर, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है. तो इन कॉमन यूज इज द टर्म एरर और बग आर यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक है. तो हम लोग ये देखते हैं भाई एरर आ गई, डिफॉल्ट आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, उस फॉल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसके अंदर, हर प्रोसेस के अंदर, चाहे एनालिसिस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे डिजाइन हो, ठीक है. फिर हम लोग जैसे हम अब नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन एंड रिमूवल. तो उस डिफेक्ट को एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकें. तो ये एक हम लोगों ने बॉक्स दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि ये क्या है, ये बॉक्स है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन मॉडल है, इट इज यूज टू इलस्ट्रेट द जनरेशन एंड द डिफेक्ट्स ऑफ एरर ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी डिजाइन, डिटेल डिजाइन एंड कोडिंग स्टेप ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है. तो और ये मॉडल क्या है जो इलस्ट्रेट करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट स्टेप को ड्यूरिंग द, जैसे हम लोगों ने ये डेवलपमेंट स्टेप को बताएगा, ठीक है. ये प्रीवियस, ये बता रहा है कि यहाँ प्रीवियस स्टेप से ये एरर आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एरर पास हो रहे हैं, और या फिर इधर बताएगा डिफेक्ट और इधर उसकी डिटेक्शन, ठीक है. नाउ हम लोग देखते हैं कि क्या है ये. तो रिव्यू में भी फेल टू अनकवर द न्यूली जनरेटेड एरर and errors from a previous step resulting in some number of errors that are passed through, ठीक है. या फिर उस रिव्यू में भी आपने लगता है कि कोई चीज आपको आप अनकवर नहीं कर पाए तो वो नेक्स्ट स्टेप में पास हो जाता है, ठीक है. इन सम केसेस एरर आर पास थ्रू टू प्रीवियस स्टेप आर एम्पलीफाइड बाय करंट वर्क. द बॉक्स सब डिवीजन रिप्रेजेंट ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी फॉर डिटेक्टिंग डिफेक्ट अ फंक्शन ट्रूनेस ऑफ द रिव्यू. और फिर बाद में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना परसेंट ऑफ एरर है उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, कितना परसेंट है आगे जो नेक्स्ट स्टेप में पास हुआ, ठीक है. तो ये आपका सिंपल सा एक प्रोसेस था जो आप कंडक्ट कर रहे हैं. अब उसके सिवा ये और एक और चीज़ है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली, कि या तो आप उसको अनकवर करते टाइम पे आप कॉस्टिंग इंक्लूड होती है, या फिर हम ये देखते हैं कि अनकवर करने की जरूरत क्या, जब आएगा तब देख लेंगे, तब कॉस्टिंग लगाएंगे. तो एक कॉस्टिंग का इशू रह जाता है कि सामने वाला किस टाइम पे कब हम कितना कॉस्ट खर्च करना चाह रहे हैं, या अभी करना चाह रहे हैं या बाद में करना चाह रहे हैं. क्योंकि जस्ट अभी जो हम खर्च करते हैं वो हमें दिखती है, लेकिन जो बाद में हम खर्च करने वाले होते हैं उसके बाद में हम लोग अंदाजा नहीं लगाना चाहते. तो ये है आपका. तो हाउ आर द रिजल्टिंग प्रीसीडिंग एग्जाम्पल लीव लिटिल डाउट अबाउट दैट वी कैन पे नाउ और पे मच मोर लेटर, ठीक है. ये है था हम लोगों का जो हम लोग डायग्राम के बारे में बात की, कॉस्टिंग के बारे में बात की. अब फॉर्मल टेक्निकल, तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज, ठीक है ना, फॉर डिजाइन एंड अदर टेक्निकल एक्टिविटीज प्रोवाइड अ डेमोंस्ट्रेबल कॉस्ट बेनिफिट एंड दे शुड बी कंडक्टेड, ठीक है. देखो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफेक्ट एम्पलीफिकेशन की बात कर रहा है, जब यहाँ पे हमें कोई डिफेक्ट एम्पलीफाई कहाँ कर पा रहे हो, कहाँ डिफेक्ट आपको मिल पा रहा है, जब हम रिव्यू कंडक्ट नहीं करें या फिर जब हम लोगों ने रिव्यू कंडक्ट करें, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे जो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर तो हम लोग बस वही बात करें कि टेक्निकल रिव्यू किस चीज के लिए, चाहे डिजाइन की बात हो या कोई भी टेक्निकल एक्टिविटीज के बारे में बात करें, तो वो टेक्निकल रिव्यू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डिमॉन्स्ट्रेबल कॉस्ट बेनिफिट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उनको करना चाहिए. तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, जिसका नाम था सॉफ्टवेयर रिव्यूज एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंसेज. नेक्स्ट टॉपिक में हम अदर टॉपिक्स और सेशन सेशन को कवर करेंगे. तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी.